एक अनुमान के मुताबिक देश में जितनी सब्जियों का उत्पादन होता है उनका 40% कभी बाजार में नहीं पहुंच पाता है। नतीजा होता है कि देश में एक तरफ तो हमेशा सब्जियों की किल्लत बनी रहती है, दूसरी ओर जो सब्जियां उपलब्ध होती हैं वो इतने ज़्यादा दामों पर होती हैं कि आम आदमी गरीब आदमी के पहुँच से बाहर होती हैं। इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हम पहुंचे इस सोलर ड्रायर फार्म में, जहां की टेक्नोलॉजी से इस समस्या के समाधान की शुरुआत हो चुकी है। वैसे तो ये थाली देखने में खाने की किसी भी दूसरी सामान्य थालियों की तरह ही है, लेकिन जब हम आपको ये बताएंगे कि इसमें जो हलवा है उसमें इस्तेमाल किया गया गाजर दरअसल 4.5 महीने पहले खेतों से निकला था, इसी तरह इसमें रखी सब्जी 5 महीने पुरानी और प्याज 3 महीने पुराना है, यानी महीनों पुरानी सब्जियां उसी ताजगी, स्वाद और पौष्टिकता के साथ थाली की शोभा बढ़ा रही हैं, मानो अभी कल ही इन्हें खेतों से तोड़ा गया हो। यह चमत्कार हुआ है सोलर ड्रायर टेक्नोलॉजी से, जिसके जरिए सब्जियों को सुखाकर इनकी शेल्फ लाइफ 6 महीने तक बढ़ाई जा सकती है। 1.5 साल पहले हमने न्यूज़पेपर में सोलर ड्रायर के बारे में जानकारी पड़ी थी, उसके बाद उस कंपनी को हम लोगों ने डेमो के लिए इनवाइट किया, उन्होंने वो डेमो हमको दिया, फिर उस कंपनी से 5 ड्रायर लेके हमारे जो गुट के 25 किसान है हम सब जो उससे जुड़कर वेजिटेबल डिहाइड्रेशन का काम पिछले 1.5 साल से कर रहे हैं। कुलकर्णी को इस पूरे प्रयास में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से भरपूर मदद मिली। जहां एक और भारत सरकार की योजना एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी से प्रशिक्षण और मार्गदर्शन का सहयोग मिला, वहीं राज्य सरकार के कृषि विभाग से संचालित महाराष्ट्र स्पर्धाश्रम कृषि विकास प्रकल्प यानी MACP ने इसकी फंडिंग में FPO का साथ दिया। कुल मिलाकर लगभग 25 लाख रुपए की लागत से तैयार इस प्रोजेक्ट में 10 लाख रुपए की हिस्सेदारी किसानों ने खुद की, जबकि 10 लाख रुपए सरकार ने सब्सिडी के तौर पर दिए। बाकी 5 लाख रुपए सोलर ड्रायर की सप्लाई करने वाली कंपनी ने दिए, जिसके बदले उसने तैयार सूखी सब्जियां खरीदने का अनुबंध किया। कृषि उद्योजकता विकास कार्यक्रम के अंदर में हमने ये EDP प्रोजेक्ट किया है, उसमें सोलर यूनिट हमने लिए है, तो उसमें टोटल सब्सिडी जो दिया है MACP के प्रोजेक्ट की ओर से वो 10 लाख की है, और उसमें हमने 70 ऐसे सोलर ड्रायर यूनिट हमने लिए है, और कुछ मॉइस्चर मीटर लिया है, कुछ ग्राइंडर ले आए, कुछ कटिंग मशीन ले आए, पिलर ले आए, जिनमें से हर एक की कीमत 26,000 रुपए आती है। इनके अलावा इस प्रोजेक्ट में सोलर कंडक्शन ड्रायर, पैकिंग मशीन, कटिंग मशीन, पिलर मशीन, मॉइस्चर एनालाइजर, ग्राइंडर और इलेक्ट्रिक ड्रायर का इस्तेमाल हुआ है। FPO के संस्थापक गोवर्धन कुलकर्णी का दावा है कि ये अपने तरह का देश का पहला वेजिटेबल सोलर ड्रायर प्रोजेक्ट है। विश्व बैंक के अधिकारियों के अलावा कई दूसरे देशों के वैज्ञानिक और किसान भी इसे देखने आ चुके हैं, और आत्मा के तहत कई अन्य राज्यों के किसानों के लिए यहां प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने लगे हैं। आत्मा को लोगों को इकट्ठा करके उनको प्रोडक्शन से मार्केटिंग तक, और मार्केटिंग के जो उनके बचा हुआ उनका प्रोडक्शन रहता है वो प्रक्रिया करने तक उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, उनके टूर्स निकाले जाते हैं। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात ये है कि इसमें FPO से जुड़े सब्जी किसानों का मुनाफा लगभग दोगुना हो गया है। किसानों को अब न तो उनकी सब्जियों की गुणवत्ता कम होने की चिंता रह गई है और न ही सड़ने की। इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 15 सब्जियों को सुखाया जाता है और उसकी पैकिंग की जाती है। इनमें कुछ तो ऐसी सब्जियां हैं जो FPO के सदस्य किसान खुद उपजाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो बाजार से खरीद कर सुखाई जाती हैं। मेरे को तो फायदा ये हुआ कि टमाटर का जो फसल आता है उसमें जो लाल होता है वो ज़्यादा कम भाव में बेचते हैं, लेकिन अभी इनका जो ड्राई फ्रूट्स आ गया है उसकी वजह से वो अच्छी तरह से बेचने लगा और उसका यूज अच्छी तरह से हो रहा है, लोगों को भी उसका फायदा होगा, हमें भी उसका समझो एक 20 केजी का कैरेट 50 रुपये में जाता है तो इधर कम से कम 100 रुपये में उसका पैसा मिलेगा। जब बाज़ार में कीमत कम रहती है लौकी की, हमको परिवर्तन नहीं है तो हम उसके लिए क्या करेंगे अभी उसको लौकी का लेके, तो हम यहाँ पर डायर करते हैं और वो डायर करके हम बाज़ार में ज़्यादा भाव में थोड़े बेच सकते हैं। मेथी है अच्छे दाम में जब बिकती है बाज़ार में बेच देते हैं, जब नहीं बिकती भाव गिर जाते हैं तब हम इसको सुखाते हैं और जिसका भाव बढ़ने पर हम इसको मार्केट में बेच देते हैं, तभी अच्छे पैसे बन जाते हैं। वैसी बात प्याज की है, एक नंबर वाला प्याज मार्केट में बेच देते हैं,
दो नंबर वाला उसको काट के सुखा के बाद में बेचते हैं। जब भाव नहीं होता, जो प्याज सड़ने लगता है उसको भी हम सुखा के रखते हैं। जब मार्केट में भाव बढ़ जाता है तब वो सुखा हुआ प्याज अच्छी तरह से बिक जाता है। एफपीओ में कुछ महिला सदस्य भी हैं जो सब्जियों को धोने, छीलने, काटने से लेकर पैकिंग तक का पूरा काम संभालती हैं। इस काम में मदद करने के लिए गांव की कुछ और महिलाएं भी होती हैं, जिनके लिए श्री संत सावना का प्रोजेक्ट अतिरिक्त आमदनी का एक साधन बना हुआ है। ये पहले हम तो मार्केट से लाते हैं, कुछ सब सब सब्जियाँ कुछ खेत में से लाते हैं, जो मार्केट में नहीं रहता है वो खेत में से लाते हैं, उसको हम लाते हैं, फिर वॉश करते हैं, उसको कटिंग करके फिर डाल देते हैं। और जो महिला है उनको जैसे कटिंग होती है ना वैसे हम रोजगार देते हैं। जब कुछ कुछ माल वैसा होता है कि सिर्फ डालने के लिए होता है, कुछ कटिंग करके तो रोजगार थोड़ा ज़्यादा देते हैं हम उसको। ये पूरा मॉडल देश के दूसरे सब्जी किसानों के लिए तो एक प्रेरणा बन ही सकता है। ऐसे किसान भी इसे अपना सकते हैं जो अब तक बाजार न मिल पाने के कारण सब्जियों की खेती से दूर हैं। एफपीओ में जिन सब्जियों की प्रोसेसिंग की जाती है उनमें मुख्य तौर पर आलू, करेला, ग्वार, भिंडी, प्याज, गाजर, फूलगोभी, बीन्स, मेथी, पालक और धनिया शामिल है। इन्हें सुखाने में अलग अलग सावधानियां रखनी होती हैं, जिन पर बाकायदा एफपीओ ने अपना रिसर्च किया है, और पैकिंग खोलने के बाद इन्हें वापस 1 से 2 घंटे पानी में रखना होता है जिससे ये अपने मूल रूप में आ जाते हैं। एफपीओ ने अब इनका अपना ब्रांड भी लॉन्च कर दिया है और आत्मा की मदद से मार्केटिंग की योजना बना रहा है। पिछले 2-3 महीनों ने हम लोगों ने हमारी खुद की एक मार्केटिंग कंपनी बना ली, सौमित्रा फूड्स के नाम से। उसका लोगो भी रजिस्टर किया है, एक टैगलाइन भी रजिस्टर की है। वो टैगलाइन ये है, एकदा घ्या भाजी, 6 महीने खा ताजी, स्मार्ट किचन ची स्मार्ट भाजी। इसके तहत हमने हमारा खुद का मार्केटिंग चालू कर दिया। साथ साथ में जो छोटे छोटी प्रदर्शनियाँ लगती है, कुछ कृषि प्रदर्शनियाँ लगती है, कई सेल्स एग्जीबिशन लगता है, उसमें हम लोग छोटे छोटे हमारे सब्जियों के स्टॉल लगाते हैं और आने वाले जो लोग आते हैं उनको ये सब्जी की जानकारी देती है, उसको कैसा इस्तेमाल करना है उसके बारे में बताते हैं। वो हमसे खरीदते हैं, कुछ लोग एक बार लेके गए पसंद आया, अब वो दोबारा भी हमसे लेके जा रहे हैं। कुलकर्णी का दावा है कि सुखाने की प्रक्रिया में एक ओर तो सब्जियां किसी भी तरह के हानिकारक रासायनिक प्रभाव से मुक्त हो जाती हैं और दूसरी ओर ड्रायर यूनिट में इस्तेमाल होने वाले कवर से अल्ट्रा वायलेट किरणें छन कर आती हैं। इसके अलावा भंडारण से लेकर परिवहन तक में किसानों को भारी बचत होती है, जिसके कारण ये मॉडल देश भर के सब्जी किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। किसान को ये अगर फ्रेश वेजिटेबल जो उसको जतन करना है, स्टोरेज करना है, तो इनको बल्क क्वांटिटी में ज़्यादा जगह लगती है। अगर उन्होंने ड्राई कर लिए तो उनकी जगह वो कम जगह में हो जाती है और ट्रांसपोर्ट के लिए भी अच्छी होती है। मानो कि सपोज एक ट्रक में अगर 15 टन वेजिटेबल लोड होता है, अगर वही सोलर ड्रायर के माध्यम से अगर ड्राइड वेजिटेबल है तो एक 15 टन के लोड में उनके 10 गुना ज़्यादा, मतलब 150 टन वो माल ले जा सकते हैं। तो इतना बड़ा फायदा ये जगह की वजह से हो सकता है। और जो ऑफ सीज़न है वो ऑफ सीज़न में किसान बेच सकते हैं, ये सबसे बड़ी प्रमुख फायदा किसान को होता है। सब्जियों को सुखाने के अलावा श्री संत सावता एफपीओ इनका पाउडर भी बनाने लगा है। यानी इस कहानी में केवल बेहतर किसानी नहीं बल्कि किसानों के उद्यमी बनने और सफल उद्यमी बनने का ऐसा फॉर्मूला है जो खेती का एक और समृद्ध चेहरा जाहिर करता है। सूरज की रोशनी से सब्जियों को सुखाने की ये तकनीक लाजवाब है और कई समस्याओं का समाधान साबित हो सकती है। एक और जहां सब्जी उत्पादक किसानों के लिए सबसे बड़ा सरदर्द यानी सब्जियों के तुरंत खराब होने की समस्या से उन्हें हमेशा के लिए राहत मिल सकती है, वहीं उपभोक्ताओं को मौसमी कारणों से इसके आसमान छूते दामों से निजात मिल सकती है। सरकार के लिए प्राथमिक वस्तुओं की महंगाई दर पर काबू पाने की जो समस्या है वो तो इसका एक साइड इफेक्ट होगा ही। नासिक जिले के निफाड़ तालुके से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ भुवन भास्कर।